प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं सचिन पायलट की पीसी को लेकर अभी सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। पीसी में अपनी रणनीति का पायलट खुलासा कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी, जो सबसे अहम जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट इस पीसी के जरिए या फिर किसी और तरीके से ऐलान कर सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये सचिन पायलट की ओर से साफ कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब सवाल बड़ा ये बनता है कि सचिन पायलट के पास अब क्या विकल्प बाकी रह गया है और सचिन पायलट की आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है। देखिए, दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले समय 10 बजे सूत्रों के हवाले से खबर थी कि सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट जानकारी सचिन पायलट की ओर से नहीं दी गई है कि क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और करेंगे तो कितने बजे करेंगे और कहां पर करेंगे। और चलिए सीधे दिल्ली का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता मनोहर विश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, देखिए, ये संशय जो लगातार बना हुआ था, ये कहीं ना कहीं अब क्लियर हो चुका है कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, और इसका कारण भी ये माना जाए, चूंकि यही खबर बार बार सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी कि जो समर्थित विधायक है वो किसी भी सूरत में राजी नहीं है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में, तो अब क्या विकल्प रह जाता है, क्या अपनी पार्टी बनाएंगे सचिन पायलट? मनोहर, देखिए, जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर सस्पेंस था बरकरार है, और वो बीजेपी में जाएंगे या पार्टी बनाएंगे या कांग्रेस में रहेंगे, तीन चीजें, तीन विकल्प थे उनके पास में। इनमें से एक तो साफ हो चुका है कि सचिन पायलट कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे। इसके बाद दो विकल्प बचते हैं, या तो पार्टी बनाओ या कांग्रेस में रह जाओ। तो अभी इनमें से वो सचिन पायलट क्योंकि मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं अभी तक, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि वो उनका दो विकल्पों में से कौन सा विकल्प पसंद करेंगे। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट के साथ जो बागी विधायक थे वे मानने को तैयार नहीं है बीजेपी में जाने के लिए, इसलिए बीजेपी में जाने से वो इनकार कर रहे हैं कि बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं जो कांग्रेस में रहने की बात है, सचिन पायलट ने एक किसी अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि सचिन पायलट को भी कांग्रेस ने बनाया है, अशोक गहलोत को भी कांग्रेस ने बनाया, इसलिए कांग्रेस में रहकर ही काम करेंगे और कांग्रेस में रहेंगे, ऐसे ही अनौपचारिक बातचीत में कहा है। लेकिन अभी तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि खुद जो है सामने आकर नहीं कहेंगे तब तक किसी भी बात पर कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कल शाम से ही लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि मीडिया से रूबरू होंगे या नहीं होंगे। अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि कल शाम को बात आ रही थी कि 10 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे, लेकिन 10 बज चुके हैं, अभी उनके ऑफिस से हमने पता किया तो वे कह रहे हैं कि इंतजार करो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है अभी उनकी तरफ से कोई साफ नहीं किया गया है कि कब मीडिया से रूबरू होंगे और अपनी बात कब रखेंगे, लेकिन फोन इन जिनके टच में जो है सचिन पायलट, और उनको बता रहे हैं अपने लोगों को कि बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस में रहेंगे, ऐसी अब तक की जानकारी आ रही है। लेकिन इस पर भी औपचारिक रूप से कोई कहने को तैयार नहीं है, ये केवल जो है उनके जो करीबी लोग हैं उनका कहना है। ठीक है जी। मनोहर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि औपचारिक तौर पर कोई ये घोषणा भी नहीं है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर यह सामने आया है कि सचिन पायलट कांग्रेस में भी रह सकते हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर उन्हें कांग्रेस में ही रहना था तो कवायद तो की थी ना आलाकमान ने, बातचीत करने की तो कोशिश लगातार की जा रही थी, फिर ये स्टैंड कैसे अब सचिन पायलट का सामने आ रहा है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे, इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, जिस मकसद से उन्होंने बगावत करी थी, लेकिन वो बगावत में क्या है कि जो साथी लोग हैं तो उनके साथ देने वाले थे, उनमें साथ नहीं मिल पा रहा, इस वजह से हो सकता है कि अब जो जिस मकसद के लिए काम कर रहे थे वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। और बीजेपी में जाने के लिए जिस तरीके से बीजेपी को जो रिक्वायरमेंट थी, जो विधायकों की रिक्वायरमेंट थी, वो विधायक शायद उनके नंबर पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए बीजेपी भी जो है उनको नहीं ले सकती। इसलिए सचिन पायलट ने मन बनाया कि बीजेपी में नहीं जाकर के कांग्रेस में रह करके वापस दोबारा से अपने की लड़ाई लड़ी जाए और अपने जो है जो शर्तें हैं उसको लेकर के बात की जाए। लेकिन अभी जो बातचीत के दरवाजे हैं कांग्रेस ने जो कल सुरजेवाला कह रहे थे बंद कर दिए हैं, क्योंकि सारी जो कोशिश थी वो कर ली गई थी तमाम सीनियर नेताओं के माध्यम से, लेकिन उन्होंने एक किसी नेता की भी नहीं मानी और आखिरकार पार्टी को ये कार्रवाई करनी पड़ी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट खेमा है, वो आपस में जो है एकजुट नहीं है, आपस में मतभेद होने के कारण
किसी एक विकल्प पर विचार नहीं हो पा रहा है, इसलिए लगातार जो है देरी हो रही है। और जो मीडिया को एक सवाल का जवाब चाहते हैं कि जब पार्टी फॉर्म पर ही बात आपको रखनी है, बातचीत करनी है, तो आप विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं गए? इस सवाल का जो है उनको जवाब देना पड़ेगा जो मीडिया के सामने आएंगे। इस सवाल से बचने के लिए शायद हो सकता है वो दूरी बनाए हुए हैं मीडिया से। जी जी बिल्कुल, देखिए और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो महत्वपूर्ण हो जाती है, आप इस पर नजर बना के रखिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी अगर कोई अपडेट आपके पास होगी तो मनोहर फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम।